हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स एडन शॉप। आज की इस वीडियो में हम जिस टैली वैल्यू एडन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उस एडन का नाम है ट्रैकिंग कंट्रोल आउटवर्ड फ्लो, जिसको हम सेल्स ट्रैकिंग कंट्रोल भी बोल सकते हैं। हम जो भी सेल करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, जिसमें सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट और लास्ट में सेल्स इनवॉइस इंक्लूड होता है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों प्रोसेस प्रॉपरली मेंटेन एंड फॉलो नहीं होते, जिससे अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी मेंटेन करने में चैलेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर विदाउट सेल्स ऑर्डर या डिलीवरी नोट ट्रैक के बिना सेल्स इनवॉइस की ट्रांजेक्शन पास कर दी तो हमें एक्चुअल स्टेटस नहीं मिल पाएगी। इवन हमें ये भी पता नहीं चल पाएगा कि कौन से सेल्स ऑर्डर के सामने हमने क्या सेल किया और कितनी क्वांटिटी में सेल किया। अगर हमें प्रॉपरली रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी मेंटेन करनी है तो हमें सेल्स प्रोसेस को सिस्टमैटिक वे में फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू ऑर्डर कैसे वर्क करता है। इस वैल्यू ऑर्डर को देखने के लिए हमें टैली में इस मॉडल का टिटल लोड करना होगा। टैली में टिटल फाइल कैसे लोड करते हैं, इसका हमने अलग से वीडियो बनाया, जिसका नाम है हाउ टू लोड टिटल इन टैली। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। बट टिटल लोड करने से पहले आप अपने टैली एडिटर का बैकअप लीजिए। बैकअप कैसे लेते हैं, ये अगर आपको जानना है तो इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका नाम है हाउ टू टेक डेटा बैकअप इन टैली। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सो नाउ अब हम देखते हैं कि इस मॉडल को अनेबल कैसे करते हैं। उसके लिए हमें पहले अकाउंट्स इन्फो में जाना होगा, देन वाउचर टाइप्स, देन अल्टर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स प्रोसेस में सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट और सेल्स इनवॉइस, ये तीन एंट्रीज आती है। तो सबसे पहले हमें डिलीवरी नोट ओपन करना होगा। यहाँ पे एक कंडीशन है, उसको हमें यस करना है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि अनेबल ट्रैकिंग फ्रॉम सेल्स ऑर्डर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि फर्स्ट एंट्री हमें करनी पड़ती है सेल्स ऑर्डर की, देन सेल्स ऑर्डर हमें डिलीवरी नोट में ट्रैक करनी होती है। तो इसको हम यहाँ पे यस करते हैं, देन सेव करते हैं। उसके बाद हमें सेल्स का वाउचर टाइप ओपन करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट इज अनेबल ट्रैकिंग फ्रॉम ऑर्डर और सेकेंड इज अनेबल ट्रैकिंग फ्रॉम डिलीवरी नोट। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स ऑर्डर के बाद डायरेक्टली सेल्स इनवॉइस की जाती है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तीनों प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। जिस बिजनेस में इन्वेंटरी इंक्लूड नहीं होती, उस केस में आप डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर से सेल्स इनवॉइस पास कर सकते हो। इसलिए आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल करके दिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं अनेबल ट्रैकिंग फ्रॉम डिलीवरी नोट, तो हम अनेबल करते हैं, देन सेव करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास करते हैं। उसके लिए हमें ऑर्डर वाउचर में जाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स ऑर्डर वाउचर नंबर 15, डेट 20 जून। हम यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करते हैं, देन आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी सभी। उसके बाद एक स्टॉक आइटम सेलेक्ट करता हूँ मैं, तो ये सेल्स ऑर्डर अभी हम सेव करते हैं। सेल्स ऑर्डर के बाद हमें अभी डिलीवरी नोट की एंट्री पास करनी है। तो ये डिलीवरी नोट का एंट्री ओपन कर दिया हमने। तो सेम हमने जो सेल्स ऑर्डर करने के लिए पार्टी सिलेक्ट की थी, वही सेम हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो 15 नंबर की सेल्स ऑर्डर पास कर दी थी वो यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे हमने कंट्रोल ऐसा दिया कि अगर आपने यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, मींस अब अगर आपने विदाउट सेल्स ऑर्डर ट्रैक करे बिना एंट्री सेव करनी चाहिए तो आपको यहाँ पे कंट्रोल आएगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कंट्रोल आ रहे हैं। तो मतलब आपको यहाँ पे कंपलसरी सेल्स ऑर्डर ट्रैक करना पड़ेगा, जिसका कंडीशन हमने डिलीवरी नोट के वाउचर टाइप में अनेबल किया था। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर ट्रैक करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स ऑर्डर सिलेक्ट की, एंट्री आगे बढ़ रही है। तो मैं ये सेव करता हूँ। सो नाउ अभी हमारे डिलीवरी नोट की एंट्री भी पास हो चुकी है। उसके बाद हम जाते हैं सेल्स की एंट्री पास करने। तो अभी हम सेम एंट्री लेते हैं, 3 के एंटरप्राइजेस, देन अभी हमने जो डिलीवरी नोट की एंट्री पास कर दी थी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेल्स की एंट्री में भी आपको कंट्रोल कैसे वर्क करते हैं वो भी दिखाता हूँ। अभी हमने यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट पे सिलेक्ट कर दिया, इसका मतलब हमने विदाउट डिलीवरी नोट की एंट्री सिलेक्ट किए बिना इस एंट्री को सेव करना चाहा, तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एंड ऑफ लिस्ट पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी कंट्रोल शो हो रहा है। आपको यहाँ पे एरर आ रहा है कि प्लीज सिलेक्ट रिस्पेक्टिव डिलीवरी नोट। तो हमें यहाँ पे कंपलसरी डिलीवरी नोट सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको यहाँ पे एंट्री सेव नहीं होगी। तो अभी हम यहाँ पे ये एंट्री भी सेव करते हैं।
तो आपने अभी देखा कि कंट्रोल कैसे वर्क करता है, कि आपका विदाउट सेल्स ऑर्डर विदाउट डिलीवरी नोट सेल्स एंट्री आप पास नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आपकी पूरी सिस्टमेटिक वे में सेल्स प्रोसेस फॉलो होगी। जैसा हमने अब टैली में देखा कि ये सॉल्यूशन आपके टैली आउटपुट फ्लो को और भी इफेक्टिव एंड रिलायबल बना देता है। विद हेल्प ऑफ दिस एड ऑन और टैली आउटपुट प्रोसेस विल बी सेंट्रलाइज एंड स्मूथ। दिस विल एलिमिनेट एरर्स इन ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग। Also, this module will definitely helps you to grow your business. I'm sure आपको ये मॉड्यूल बहुत पसंद आया होगा। अगर ये मॉड्यूल के बारे में आपको कुछ सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसे बहुत सारे एडवांस डिजाइन डेवलप किया है जिससे आपके बिजनेस में वैल्यू एडिशन होगा। ऐसे और टैली एडवांस और टैली प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए और डेमो देखने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।